गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर टू द अर्लीस्ट पीपल। देयर मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ क्लाइमेट वॉज चेंजिंग विथ डिवास्टेटिंग कंसेस फॉर द एफ्रिकन लैंडस्केप। यानी कि बहुत पहले के मिलियन ईयर एगो की बात है, ये हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे बाय टू मिलियन ईयर्स एगो ए न्यू स्पेसिस होमो अपीयर्ड ऑन द अर्थ। यानी कि मानव का विकास हुआ इस अर्थ पे 1.4 मिलियन ईयर्स एगो दे इंटर्ड यूरोप महाद्वीप में इसका इंटर्ड मानव विकास हुआ था। समवेयर लेटर विद इन 1.5 मिलियन एंड आई 1 मिलियन ईयर्स एगो स्पेसिस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस पॉपुलेटेड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मच लेटर। मोस्ट साइंटिस्ट करेंटली रिकोगनाइज सम 15 to 20 different species of early humans. Scientists do not all agree, however, about how these species are related, which one simply did. किसी को लगभग साइंटिस्ट को भी सही सही पता नहीं है कि ह्यूमन्स कब आए थे हमारे अर्थ। ठीक है, द स्टोन एज पहले आया था, स्टोन एज यानी लो युग उसको बोलते हैं। द टर्म स्टोन एज यूज टू डिस्क्राइब ए पीरियड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन वेयर स्टोन वॉज यूज एज द मटीरियल फॉर मेकिंग टूल्स। यानी कि लोह युग में हम लोहा का सामान यूज करते थे, जैसे हर चीज़ लोहा का होता था एग्रीकल्चर खेती करने में। और पहले जानवर हम लोग जो रखते थे हमारा था पहला शीप गोट कॉ एंड कॉफर, ये सब एग्रीकल्चर खेती में यूज होता था। द स्टोन एज फर्दर स्प्लिट इंटू फोर पार्ट्स, स्टोन एज को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैलियोथेलिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोथेलिक एज, कैलोथेलिक एज। पहले हम लोग पढ़ते हैं द पैलियोथेलिक एज के बारे में। रीडिंग द ओल्ड स्टोन एज द पैलियोथेलिक एज स्टार्टिंग अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन लिव्ड इन योर कैप्स। पहले 2.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले ह्यूमन थे, मानव जो थे कैब में रहते थे ऑन ट्री पॉट्स यानी कि पैर पे रहते थे एंड इन द होलो ऑफ ट्रीज यानी किसी छेद में पैर के छेद में रहते थे प्रोटेक्ट डैम्स अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फ्रॉम वाइल्ड यानी कि जंगली जानवरों का वो पहनते थे चमड़े वगैरह एंड फ्रॉम ऑल कोल्ड एंड रेन सर्दी और गर्मी से बचने के लिए। द मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। हैंस देर आर नोन एज हंटर गैदर्स, इस प्रकार से हम हंटर्स गैदर कहा गया। फूड ऑफ देस हंटर गैदर्स इंक्लूड एनिमल एंड प्लांट्स, इसका खाना था पौधे और जानवर। पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट वहाँ पे वो लोग रहने लगे। दे आल्सो एट लीव्स, पत्ते भी खाते थे इस पीरियड में मानव ऐसे रहते थे। फिर आपका आता है मेसोलिथिक एज। फायर वॉज द वन ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय द अर्लियर ह्यूमन बींग ड्यूरिंग द प्रकृति यानी इस एज में फायर आग का आविष्कार किया गया। सेवरल रिलीजियस बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ द हाउ टू मेक फायर फास्ट ऑन टू मे बाय गॉड इधर डायरेक्टली फायर रिलीजियस एंगल डिमेज बट इज लाइकली इंटरेस्टिंग टू पीसेस ऑफ फ्लिंट टुगेदर टू स्पेप इन टू टूल्स। नहीं, आग का आविष्कार किया गया इस एज में, पत्थर से पत्थर टकरा करके आग का आविष्कार किया गया था। मैन नोटिस पास विच कुड बी रिड्यूस्ड ऑन सिंडाइंग। फिर आपका आता है द मेसोथेलिक एज। आफ्टर द लास्ट आइस एज सी लेवल्स वे आर राइजिंग एंड ह्यूमंस हैड टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू दिस चेंजेस डेवलप माइक्रोलिथ्स स्मॉल स्टोन टूल्स, छोटे छोटे पत्थरों से इसका हथियार बनाया जाता था, इसको यूज करते थे, लंबे कुछ बड़े होते थे इसका यूज तीर में बनाने में किया जाता था, पत्थर सबको यही इसका हथियार था इस यूज में पत्थर का। जब कहता था नियोथेलिक एज, इस एज में कल्टिवेशन वाज स्टार्ट, इसमें खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ था ड्यू टू इंक्रीज नीड टू हार्वेस्ट प्रोसेस प्लांट ग्राउंड स्टोन एंड पॉलिश स्टोन। यानी कि इसी युग में स्टार्टिंग हुआ खेती करना, लोग सीखे जाने धीरे धीरे नया नया चीज़। फिर आता है आपका द कैलोथेलिक एज, इस युग में
एज मीन डेट ह्यूमन काइंड स्टार्टिंग यूजिंग कॉपर, कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे लोग। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, यानी कि कॉपर सबसे पहला मेटल था जो कि आदमी मनुष्य के द्वारा खोजा गया था, ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था। सो द पीरियड बिटवीन 4000 BC एंड 2000 BC इट्स कॉल्ड द कॉपर एज, इसको हम कहते हैं कॉपर एज। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, कुछ है इन विच टाइम पीरियड वाज द सेकेंड एज स्टार्टेड हु आर नोन एज हंटर गैदर राइट टू चैन केम अबाउट इन लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन इन मैक्लोटिक एज और इज द टाइम पीरियड ऑफ कैलकुलोटिक एज।